सुधीर है वहाँ, जो अवधेश हैं पुनीत भाई के, उनका बच्चा है, अच्छा लड़का है। मैंने इनसे 3 मिनट टाइम लिया कि सिर्फ 3 मिनट टाइम दे दीजिए, बेचारे खाना खाने जा रहे थे, लेकिन मैंने इनसे सिर्फ 3 मिनट जल्दी से टाइम लिया कि मुझे दे दीजिए, दुकान खाली नहीं मिलती है, कस्टमर हर वक्त भरे रहते हैं, तो जल्दी से टाइम मुझे मिला दिया इन्होंने इतना 3 मिनट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये न्यू फार्मर सीट की जो मैंने एक व्लॉग बनाया था 2 दिन पहले, तो उसमें भी उनका ये दूसरा सेक्शन है। पहला सेक्शन ये है आर्टिफिशियल फ्लावर्स का, प्लास्टिक मेड, मेड इन चाइना, सारी चीज़ें जो हैं वो हैं यहाँ पर। ये पहला सेक्शन है, ये दो वीडियो एक में कंबाइन कर दूंगा मैं, तो भाई मुझे तो पसंद नहीं आते प्लास्टिक के फूल, जब मेरे पास इतने अच्छे अच्छे असली फूल हैं, मैं प्लास्टिक के फूल लेके क्या करूँगा, लेकिन अब चीज़ें चलती हैं तो चल रही तो अच्छी हैं, स्मूथ हैं। तो अगर आपको अपने शॉप के लिए रीसेल के लिए चाहिए तो यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, घर में डेकोरेशन के लिए चाहिए आपको तो यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। ये चीज़ें हैं, ग्रो बैग वगैरह जो है यहाँ रखे थे, ये आर्टिफिशियल रबर प्लांट है। अब आइए दूसरा सेक्शन, ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ उनका वो पॉट वाला सेक्शन। बस जहाँ उनकी न्यू फार्मर सीड्स की जो पेस्टिसाइड्स वाली जो दुकान है उससे बस 200 मीटर आप आइएगा, तो वहाँ पे जो एक एम्प्लाई हैं इनके अवधेश, उनके ये साहबजादे हैं परमानेंट यहाँ रहते हैं। ये इनके गमले का सेक्शन है पुनीत भाई का, और देख लीजिए ऊपर से लेके नीचे तक रेट जो है आप लोग खुद ही पूछिएगा, रेट रिटेल के अलग होते हैं, होलसेल के अलग होते हैं, और सुपर होलसेल के अलग होते हैं, ये जग जाहिर बात है, क्यों यही होता है ना भाई, कोई 2-4 सामान लेगा उसका अलग रेट है, कोई 200 सामान लेगा उसका अलग ही रेट है। सेरेमिक के सेक्शन ये लगा हुआ है, जैसे ये है सकलेंट वगैरह लगाने के लिए, चीज़ें अच्छी हैं। ऑनलाइन करते नहीं हैं शायद, बंद कर दिया ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं ना। एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई पड़ी है मुझे, कभी ले जाऊँगा मैं इसको, ये पॉट है, ये नाव के शेप का है, बहुत भारी है, एक हाथ से नहीं उठेगा, और ना मैं छूँ, निकालो ज़रा इसको दिखाते हैं, एक मिनट निकाल दो बस। ये चीज़ अच्छी लगी मुझे, ये मिलती नहीं है जल्दी, क्यों ये जल्दी नहीं मिलती, सेरेमिक का है लेकिन बहुत अच्छा है। और ये नर्सरी मैन पॉट हैं सारे आपके, जो 6-7-8-10 रुपए के हैं। गमले की रेंज बहुत ज़्यादा है, जिनको शौकीन होते हैं जो इस तरह के पॉट में लगाना चाहते हैं वो इस तरह के पॉट में भी पेड़ लगा सकते हैं, रबर प्लांट वगैरह के लिए
रबर प्लांट वगैरह लगाने के लिए इसमें बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। इसमें एक वाइट कलर का पॉट में जैसे ये रखे हैं वो आप इस तरह के पॉट में लगाइए, फिर इस तरह के पॉट में लगाइए ड्राइंग रूम में, वाइट एंड ब्लैक का कम्बिनेशन वो होता है। और जैसे क्या कहते हैं वेरीगेटेड चांदनी वगैरह होती है, छोटे से पेड़ जो टेबल पे रखने होते हैं तो उसको उस तरह से लगाए जाते हैं। कलमदान के लिए आपको ये आप हजारा छोटा सा है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये वाइट वाले थोड़े से महंगे पॉट होंगे क्योंकि ये फैंसी हैं, और ये बॉल है ये जुड़ जाती है शायद ना, ये है। एक पॉट मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये छोटे पॉट हैं। तो छोटे पॉट जो जैसे सकलेंट वगैरह लगाने के लिए होते हैं वो ये भी मिल जाएंगे आपको। ये तो नर्सरी मैन पॉट हैं, लेकिन इसमें के जो पॉट हैं वो यहाँ पर हैं, जो आप शो के लिए हैं वो ये हैं, ये सारे रखे हुए हैं, ये सारे रखे हुए हैं। तो इसमें सकलेंट वगैरह लाजवाब होते हैं। हाँ, क्या कह रहे थे आप? और आप इस शॉप पे आएंगे तो ये मिलेंगे आपको। तुम्हारा नाम मैं भूल गया, सुधीर। इनका नाम सुधीर है। मिल जाएंगे आपको ये पॉट है, ये लगता है इस तरह से वो डबल करके। ये जो है मल्टी लेयर का पॉट है, थोड़ी लाइट कम है। ये ग्रोवर पाउच है, ये सारी चीज़ें अगर आपको उगाना है कोई बड़ा प्लांट तो उसके लिए, सब्जी वब्जी के लिए होता है। लेकिन इतना हैवी करके छत के ऊपर मिट्टी लगाना मुनासिब नहीं है। ये स्टैंड है, स्टैंड के साथ गमले नहीं हैं बल्कि स्टैंड अलग से है, गमला अलग से है, तो स्टैंड भी आप ले सकते हैं। ये पॉट शानदार लग रहा है मुझे। ये मैं अपना रबर प्लांट अगर लगाऊंगा जो वाइट वाला है तो फिर वाइट का इसमें का जो बड़ा पॉट है उसमें ज़रूर लगाऊंगा इंशाल्लाह। ये हैवी पॉट है, ये कै इंच का है, ये 24 इंच का पॉट है, ये बहुत बड़ा पॉट है, ये शानदार। ये डबल लेयर का है, इसमें इसकी क्वालिटी इस वजह से होती है कि थोड़ा सा हीट नहीं करता है, जड़ें जो है वो हीट नहीं करती हैं उसकी, ये थोड़ी सी खासियत रहती है। ये भी थोड़ी डबल लेयर में होता है फाइबर में, ये मल्टी लेयर में है, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है अगर इस तरह का शौक आप करना चाहते हैं तो। आइए बताइए आप क्या है ये सेल्फ ऑर्डरिंग किट है, अगर पानी कम होगा तो डाउन हो जाएगी। समझ गया, अच्छा ये सेल्फ वाटरिंग वो है, अच्छा समझ गया। ये सेल्फ वाटरिंग किट है, मतलब ये कि इसमें जो है अगर प्लांट ये एक अंदर आप देख रहे होंगे इसके एक वो लगा हुआ है सुई नीडल, ये वो अप हो जाएगी डाउन हो जाएगी, एक बैरोमीटर की तरह काम करेगा। ये देख लीजिए इसमें ये कुछ पेपर्स वगैरह हैं जो चाहिए होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। फिर से आपको बता रहा हूँ ये वर्टिकल वाल है, बहुत बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये प्लास्टिक का मैं शौकीन नहीं हूँ लेकिन ये मुझे अच्छी लग रही है। और ये तो जैसे हीरे जवाहरात है, से देख लेना कहीं इसमें निकलना है एक आध दो। ये उठाओ शानदार, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। इसके अंदर पैसे खर्चा ना करवाओ यार, मैं ख़रीदूँगा नहीं भाई, गिफ्ट दे सकते हो तो दे दो सुधीर। अच्छा दिखाएंगे। अंदर लव है जी। अरे मतलब हम लोग को अलाउ है कि ये है सेरेमिक का सेक्शन, वाह पूरा सेरेमिक का सेक्शन है ये पॉट, अंडे पे अंडा, एक अंडा दो अंडा तीन अंडा, ये कश्ती वाला है, सारे सिरेमिक के पॉट्स हैं ये सब।
शानदार है ये जानदार है, बहुत अच्छी चीज है ये तो यार। ये है सेरेमिक का सेक्शन पूरा। आइए बाहर चलते हैं, पतली सी गली है, ग्राउन इनका दूसरी जगह है। तो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स ये होते हैं कि कभी भी किसी के ग्राउंड का जो है उसका गोडाउन का वीडियो शूट नहीं करना चाहिए, ये एक प्रोफेशनल एथिक्स है। तो गोडाउन का मैं नहीं दिखाऊंगा, आपको जो वैरायटी चाहिए होगी आप यहाँ से ले सकते हैं, होलसेल रिटेल दोनों ही, प्राइस भी ये खुद ही आपको बताएंगे। ये हो सकता है कि हाँ ऑनलाइन प्लांट सकता हूँ या गुल की महक को आप मेंशन करें, थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिल दे सकते हैं ये, लेकिन प्राइस मैं नहीं मेंशन कर सकता, ये भी इनके ऊपर है। रिटेल का अलग है, होलसेल का अलग है, सुपर होलसेल का अलग है। जीजी प्लांट और रबर प्लांट के लिए इन पॉट से बेस्ट कोई पॉट नहीं होता है जो ये लगा हुआ है नीचे, इन पॉट से ये थोड़े लंबे होते हैं, पूरे में मिट्टी फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस पॉट में आपका पेड़ लगा हुआ है नीचे जो भी थर्माकोल या कोई चीज़ लाइटली आपको फिल करनी हो कर दीजिए, उसके रेत फिल करनी हो कर दीजिए थोड़ा वेट बढ़ाने के लिए, और उसे पॉट के साथ उसको डाल दीजिए, ऊपर कोई चीज़ मल्चिंग कर दीजिए अच्छा सा, कोई पेबल वगैरह जैसे वो पेबल रखा है वो पेबल वगैरह डाल दीजिए, वो हो जाएगा। सुधीर है वहाँ जो अवधेश हैं, पुनीत भाई के हैं, उनका बच्चा है, अच्छा लड़का है। मैंने इनसे 3 मिनट टाइम लिया कि सिर्फ 3 मिनट टाइम दे दीजिए, बेचारे खाना खाने जा रहे थे, लेकिन मैंने इनसे सिर्फ 3 मिनट जल्दी से टाइम लिया कि मुझे दे दीजिए, दुकान खाली नहीं मिलती है, कस्टमर हर वक्त भरे रहते हैं, तो जल्दी से टाइम मुझे दिया इन्होंने इतना 3 मिनट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।